भाई बहन के पावन पर्व राखी को और अधिक सार्थक बनाने और महिलाओं को सशक्तिकरण के रास्ते पर चलाने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा हमीरपुर में राखी मेले का आयोजन किया गया है। इस राखी मेले को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां खरीदार महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई है। चावल के दालों से बनाई गई राखियां सहज ही खरीदारों को आकर्षित कर रही है। इन महिलाओं द्वारा सैनिकों के लिए भी विशेष रूप से राखियां तैयार की गई हैं। मेले में खरीदारी करने आई महिलाओं ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा बनाई गई राखियां बहुत ही सुंदर बनी हैं और इनके दाम भी काफी कम हैं। यहाँ पर लेडीजों ने खुद अपने हाथों से राखियाँ बनाई हुई है और यहाँ पर अपने हाथों नेचुरल और अपने हाथ वाली राखी और बाजार से सस्ती राखी है। यहाँ पर जैसे कि मक्की के आटे की चावल से अपने हाथों की राखी बनाई और बाजार से कम रेट में और ठीक प्राइस से है। यहाँ पे महिलाओं ने जो है वो तिरंगे की जो है वो सैनिकों के लिए स्पेशल राखी बनाई है ये, और ये चावलों से बनी है। इसकी खासियत ये है और भी इस तरह से उन्होंने गेहूं की और भी कई बीजों की जो है राखियां बनाई और यहाँ पे और भी राखियों के अलावा बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हाथ से बनाई गई हैं। मैं यहाँ आई हूँ राखी की जो लगी हुई है, यहाँ बाज़ार लगा हुआ है। ये मतलब गांव की जो महिलाएं हैं इन्होंने खुद मतलब राखियाँ हाथ से बनाई हुई हैं तो ये बड़ा अच्छा है। जैसे हम बाहर जाते हैं जॉब करने, यहाँ अपने गांव में ही स्वयं सहायता समूह के मतलब उसके दौरान इन्होंने बनाई हैं ये हाथों से चीज़ें, तो बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की संचालक अनिता ठाकुर ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को ये स्थान उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां बाजार में सस्ते दामों पर बेची जा रही हैं। जो भी राखी बनाई हैं सारी लेडीजों ने अपने हाथों से बनाई हैं, अच्छी अच्छी राखियां बनाई हैं। सरकार का भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि लेडीजों सहायता समूह का भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। जो लेडीजा अपने हाथों से कला से अपना अपना हुनर लेके आ रहे हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए, उनका हौसला बुलंद करना चाहिए जो चीज़ें बना रही हैं। और जिन्हें भी राखियाँ हैं बाज़ार पर अच्छी बिक रही हैं, अच्छी सेलर हो रही है और बाज़ार के दामों से यहाँ पर सस्ती हैं।